अभी डीसीए ऑफिस आने का हम सबका मकसद ये है कि जिस तरीके से हालिया दिनों में स्वीडन जो कि यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर वहाँ के एक सियासतदान ने एक हिमासत करते हुए उसने इससे पहले भी कुछ साल पहले जो है रमज़ान के महीने में कुरान हर शहर में कुरान जलाने का उसने अज़म किया था, लेकिन उसको दुनिया भर से क्रिटिकम मिलने के बाद वो उनकी उसने रुका दिया था। अब फिर से वो हिमासत करते हुए कुछ दिन पहले वहाँ पर स्वीडन में ब्रिटिश एम्बेसी के सामने जाकर जान बूझ कर जो है कुरान को जलाकर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल को है तेज पहुँचाई है। हम इसकी सख्त तौर पर मजाहत करते हैं और हम हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उससे हम वहाँ के जो फ़कीर है उसको बुलाकर हड़ताल लगानी हुई हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं 2500 से 3000 मुसलमानों का जो है इससे दिल को खेत पहुँची है और हम इसका हिस्सा इकबार करते हैं और वहाँ का जो सफ़ीर है जो इंडिया में यहाँ पे जो फॉरन मिनिस्ट्री है उसको बुलाकर को बंदा है दाखिल करें कि इस तरीके की जो घटनाएँ हमारा हुई है वो आइंदा दिनों में ना हो और वहाँ के जो कानून उसके तहत स्वीडन के कानून के तहत उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। और रही दूसरी बात, कल ही एक न्यूज़ आई है इंदौर के शहर में जो एक पठान मूवी को लेकर जान बुझकर एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको जो है हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। तो हम बताते चले कि पठान मूवी से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, देखिए मदा करिए थोड़ी अगर नहीं देखना है तो मत देखिए वो आपका इख्तियार है। लेकिन दरमियान में जान बुझ कर मुसलमानों को कैस पहुँचाना हमारे नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान में गुस्सा भी करना ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर विरोध करना है प्रोटेस्ट करना है पिक्चर मत देखिए खत्म हो गए, थिएटर में जाकर वहाँ पर अनाप शनाप बोलना कुछ नारे लगाना ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ की हुकूमत से और हिंदुस्तान की हुकूमत से और हमारे कर्नाटका की हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो जो लोग इसमें मुलविस है उनको तब से तब की कार्रवाई दी जाए। हालिया दिनों में हम देखा है कि पूरी तरह से कुछ शर्मा के स्टेटमेंट के बाद पूरे इंडिया की जो है पूरे दुनिया भर में तूतो हुई थी वो फिर से दोहराई ना जाए, इसको जल्द से जल्द आप चिपते वरना आने वाले वक्त में अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं दी जाएगी तो जिस तरीके से हमारे सदरों ने बताया है कि हम सिर्फ बीदर ही नहीं पूरे कर्नाटक में इसका एहतजाज करेंगे। लिहाजा हम बहुत से गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान में जो है अमन को कायम रखे, बार बार इस तरीके से मुसलमानों के टीकोट हेट फोनाने की लोग साजिश कर रहे हैं हमको इसको समझना चाहिए और इस तरीके के जो वाकयात है ये हम आगे नहीं होना चाहिए। हम इसकी सख्त वजाहत करते हैं।